सोचा से आप सब लोग स्वागत आपका मेरे फिर से न्यू व्लॉग। तो भाई मेरे चेहरे पे लगे रंग को देखकर और आप इन जमुना जी को देखकर समझ सकते हैं कि आज आया हूँ मैं फिर से वृंदावन में। तो भाई बरसाने की नंदगांव की होली तो आपको बहुत दिखा दी, आज मैं आपको ले जाया हूँ वृंदावन की होली दिखाने के लिए। तो आज पिछले काफी लोगों में मैंने आपको वृंदावन की होली दिखाई है, राधा रमन जी की, बागे बिहारी जी की, और इसमें मैं आपको बागे बिहारी और राधा रमन की होली फिर से दिखाऊंगा। ये अपना प्यारा केसी घाट, यहाँ पे मिले हैं हमारे को अपने भाई जो कि हमारे को नाव की राइड करवा रहे हैं। कभी भी मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो भाई केसी घाट पे जरूर आए और यहाँ पर इस नाव का आनंद लेना ना भूले। रंगुला किस प्रकार उड़ाया जा रहा है ब्रिज की गलियों में। सबसे पहले चलते हम बांके बिहारी मंदिर की लगा हुआ अपने प्यारे बांके बिहारी जी मंदिर का बोर्ड, और ये रास्ता जाता है बांके बिहारी मंदिर। मैंने काफी वीडियो में पहले भी दिखाया है, इसी गली के अंदर आपको यहाँ पर फूल प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी खूबसूरत। यहाँ पे खाना जी के कपड़े भी मिल जाएंगे अपने केसी जी के, भाई कितने प्यारे सुंदर कपड़े मिल रहे हैं। मैंने पहले भी काफी वीडियो में दिखाई है ये दुकानें, कभी भी आप आ रहे हैं यहाँ से कपड़े भी खरीद सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं प्रसाद। 50 रुपए से प्रसाद स्टार्ट होता है, 100, 200, 300 इतने तक का भी प्रसाद मिलता है जो कि पेड़े चढ़ते हैं, और ये मिल रहे हैं फूल जो कि हमारे बांके बिहारी जी पे चढ़ते हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी मंदिर, ये अपने सुमन भाई जो हमारे को आज कराएंगे वीआईपी दर्शन, और हमारे करेंगे बांके बिहारी जी वीआईपी दर्शन। तो हमारा एक भाई है वो हमारा वीआईपी दर्शन कराएगा। भाई भीड़ देख सकते हैं, कितनी सी देख सकते हैं आप, कितनी जबरदस्त भीड़ हो रखी है। ये है 2 नंबर गेट और वहाँ पर है 3 नंबर गेट, वहाँ से करेंगे हम अपनी एंट्री। भाई भीड़ की आज कोई हद नहीं है, अगर आप आ रहे हैं होली का टाइम भाई अवॉइड करिए यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि होली को यहाँ पे काफी ज्यादा रश होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको रंग भरी तरह से दिखाई थी, उसमें भी काफी ज्यादा क्राउड था और आज भी काफी ज्यादा क्राउड है। भाई यहाँ से चलते हैं अपने मंदिर के अंदर, करते हैं अपने दर्शन। फाइनली दोस्तों बागे बिहारी जी के दर्शन करके आ चुके हैं हम बाहर। आज हमारे भाई ने हमारे को कराया वीआईपी दर्शन, और आज फर्स्ट टाइम हमारे को बिहारी जी के चढ़ी हुई माला भी मिली और बिहारी जी का चढ़ा हुआ भोग भी मिला है। तो भाई काफी अच्छा लगा आज हमारे को मंदिर में दर्शन करके, काफी तसल्ली से आज हमने दर्शन किए। मिले हैं हमारे जिनकी यहाँ पर दुकान है यादव जी पेड़े वाले, जिनसे हमने प्रसाद लिया था, तो भाई बताएंगे कुछ यहाँ की महिमा। राधे राधे जय बिहारी जी की। जैसा कि आप देख रहे हो होली का पर्व चल रहा है, बावन महीने में हमारे बागे बिहारी होली खेलते हैं और वृंदावन में होली की धूम मची हुई है, बहुत प्यारा आनंद बरस रहा है। ये हमारी शॉप है यादव जी पेड़े वाले, जो कि राधा जी मंदिर के सामने है। बिहारी जी को पेड़े का मेन प्रसाद पेड़े का होता है, बड़ा प्रिय प्रसाद होता है पेड़े का, और हमारे बिहारी जी पेड़े का भोग बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। और बिहारी जी में इस टाइम बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन पर्व से होली मनाई जा रही है, तो आप लोग भी सभी आए और वृंदावन में होली का आनंद ले। बोलो जय बिहारी जी की, राधे राधे राधे। जय श्री राधे। हमारे भाई की दुकान, दुकान का नाम है राधा कृष्णा, और यहाँ से पेड़ मिलते काफी अच्छे। और भाई ये जो दुकान पड़ती है, ये पड़ती है राधा वल्लभ जी के बिल्कुल सामने। बागे बिहारी लाल की जय, राधे राधे राधे, जय बिहारी जी की जय।
बिहार जी के दर्शन करके हम आ चुके हैं राधा वल्लभ जी भाई राधा वल्लभ जी मंदिर गए थे हम। राधा वल्लभ जी है अभी बंद क्योंकि 12 बजे के बाद वृंदावन में अधिकतर मंदिर बंद होने लगते हैं, तो भाई अब चलते हैं राधा रमण, देखते हैं वो मंदिर खुला है या नहीं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राधा रमण, भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी ज्यादा हो रही है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको होली दिखाई थी वो दिखाई थी राधा रमण जी की, आज फिर से हम होली खेलने के लिए आ चुके हैं राधा रमण मंदिर। भाई राधा रमण मंदिर में होते दोपहर की आरती और लगाया जाता है हमारे कृष्ण जी को राजभोग, उसके बाद मनाई जाती है यहाँ पर होली। तो भाई देखते हैं हम मंदिर खुला मिलता है तो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको होली राधा रमण जी की और हम भी खेलते हैं। दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं, आज वहाँ पे जिस तरह की होली मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी उस तरह की होली आज नहीं हुई है वहाँ पर। बाकी दर्शन करके हमें काफ़ी अच्छा लगा, हम 2 घंटे तक वहाँ पर बैठे रहे, अपनी मनोकामना अपने मन की बात कहते रहे भगवान जी से। तो भाई ये है अपने ब्रिज की गलियाँ, अगर वृंदावन आए और इन गलियों में नहीं घूमें तो भाई आपका वृंदावन आने का कोई फायदा नहीं। फाइनली दोस्तों बागी बिहारी जी के दर्शन करके और राधा रमण जी के दर्शन करके हम आ चुके हैं गांधी पार्क में। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं और आपको बागी बिहारी जी के और राधा रमण जी के पट बंद मिलते हैं तो आप इस गांधी पार्क में बैठ के अपना आराम कर सकते हैं, काफ़ी आनंद और काफ़ी पीसफुल आपको इस पार्क में बैठ के महसूस होगा। और यहाँ कीजिए अपने बागी बिहारी जी का ध्यान, इतना शानदार यहाँ पे रथ निकलता है और यहाँ पर ज्ञानगुरु नाम की जगह है, यहाँ पर आके रुकता है और यहीं पर मनाया जाता है अपना फेस्टिवल आतिशबाजी का फेस्टिवल।
तो भाई ये अभी जो निकला ये निकला छोटा रथ, इससे बड़ा रथ निकलता है 4 या 5 दिन बाद। कितनी शानदार आतिशबाजी चल रही है यहाँ पर। आज देख सकते हैं इसका कितना शानदार फूल बन रहा है इस चरखरी का।
मैदान को कहते हैं ज्ञान बुद्धि मैदान, और यहीं पर आके इस रथ का समापन होता है। इस आतिशबाजी के साथ होगी, आपने ब्लॉग के अंदर देखी ली होगी। और भाई इससे कुछ दिन बाद एक बड़ा रथ भी निकलता है, उसको बड़ी यात्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से वो निकलती है, देखते हैं जब आना हो पाएगा हमारा या नहीं हो पाएगा, तब देखते हैं भाई। अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। हमने आपको इस सीरीज में बरसाने की, नंदगांव की लठमार होली दिखाई और दिखाई वृंदावन की होली। अब हमारी सीरीज ये यहीं पर ही ख़त्म होती है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए घर से निकले हुए। अब हमें जाना अपने घर, हमारे बारी अपने घर की याद। तो दोस्तों इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में, और एक्सप्लोर कराएंगे आपको कोई और नई जगह। जय श्री राधे। तब तक के लिए ओके टाटा बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलना।